नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर रोड दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स द फाइनेस्ट बेकरी शॉप नाउ ओपेंड एट बेलवागंज लहेरिया सराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। सरकार ने पेश किया लोक लुभावन बजट, आयकर छूट की सीमा 5 लाख तक के लिए बढ़ी, 80C में बचत करने पर 1.5 लाख की छूट भी बरकरार। दरभंगा के चर्चित ठेकेदार और एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी नीरज मुखिया ने दरभंगा कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गैंग, 22 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो समेत 7 लुटेरे गिरफ्तार, SSP ने दी जानकारी। दरभंगा के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का तबादला, बने CM सचिवालय के अपर सचिव, सूचना जनसंपर्क निदेशक का भी मिला अतिरिक्त प्रभार, डॉक्टर त्याग राजन होंगे दरभंगा के नए DM। दरभंगा फिल्म फेस्टिवल का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने रजनीश सिनेप्लेक्स में किया भव्य उद्घाटन। कमतौल भरवारा मुख्य सड़क पर बाइक सवार को अपराधियों ने मारी गोली, नगद रुपए और मोबाइल भी लूटा, घायल का DMCH में चल रहा इलाज। सेवानिवृत्ति के बाद अलाहाबाद बैंक दरभंगा के विशेष सहायक कैशर आलम को दी गई भावभीनी विदाई, समाज के हर तबके के लोगों ने की सुखी एवं स्वस्थ सेवानिवृत्त जीवन की कामना। और दिन में भी जलते रहते हैं स्ट्रीट लाइट, बिजली की खूब हो रही बर्बादी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किस ना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल रामबाग किला दरभंगा, CBSE करिकुलम क्लास प्ले टू 5th को एजुकेशन एंड क्लास 6 टू 10th ओनली फॉर गर्ल्स विद हॉस्टल फैसिलिटीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्मार्ट क्लासेस, वेल मेंटेन प्लेग्राउंड विद इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। टुगेदर वी अचीव द। सोना चांदी डायमंड कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम, डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल सदर थाना रोड दरभंगा, अ टीम ऑफ वेल क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड टीचर्स विल इक्विप लाइब्रेरी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो लैब्स, ऑल क्लासरूम्स विद ऑडियो विजुअल फैसिलिटी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्ल्ड। लेट्स ऑर्डर। आई वांट ब्राउनीज, आई हैव मिल्क शेक एंड अ बर्गर। यो ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली हम और हमारे ब्रोस। ब्रो कैन आई गेट अ बर्गर? ब्रो मी टू। डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस, 5 नहीं 5 प्लस 2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। यो ब्रोस, टू मच एस प्लीज। डैटसन, एक्सपीरियंस चेंज।
मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2 के प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनी सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो, यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। सरकार ने पेश किया पूरी तरह से लोक लुभावन बजट। शुक्रवार को आयकर छूट की सीमा 5 लाख तक के लिए बढ़ाई गई। 80C में बचत करने पर 1.5 लाख की छूट भी रही बरकरार। सरकार ने पेश किया पूरी तरह से लोक लुभावन बजट। आयकर छूट की सीमा 5 लाख तक के लिए बढ़ी। 80C में बचत करने पर 1.5 लाख की छूट भी बरकरार। दरभंगा के चर्चित ठेकेदार और एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही की हत्याकांड के मुख्य आरोपी नीरज मुखिया ने दरभंगा कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेगी पुलिस। दरभंगा के बड़े ठेकेदार और एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही की हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुखिया नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार को दरभंगा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मुख्य आरोपी नीरज सिंह मुखिया सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर का रहने वाला है। 2 दिन पहले उसके घर की कुर्की जब्ती हुई थी। सदर थाना पुलिस ने न्यायालय में रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी, लेकिन रिमांड आज नहीं मिल सका। सदर थाना पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपी को, राहुल कुमार सिंह एवं भोला सिंह ऋतुरंजन को भी रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी है। 2 दिन पूर्व दरभंगा पुलिस सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर में जाकर मुखिया के घर नीरज कुमार सिंह के घर की कुर्की जब्ती की थी। वहीं गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के कांटी गांव में रुपेश कुमार ठाकुर के घर भी कुर्की जब्ती की गई। दरभंगा पुलिस के अत्यधिक दबाव के कारण मुखिया नीरज सिंह ने आखिरकार शुक्रवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया। 22 दिसंबर 2018 को एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश प्रसाद शाही की हत्या कर दी गई थी, तब जब वो अपने आवास से अपने प्लांट रानीपुर के लिए निकले थे और रानीपुर में पहुंचने के कुछ ही दूरी पर उनकी हत्या कर दी गई थी। गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया था। हत्याकांड 9 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था। दरभंगा पुलिस ने पूर्व में ही लाइनर के रूप में कार्य करने वाले गोलू को गिरफ्तार कर लिया था। 2 आरोपी कोर्ट में 2 दिन पूर्व ही सरेंडर कर चुके हैं। SSP बाबूराम ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतरराज्यीय वाहन लुटेरा गैंग, 22 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो समेत 7 लुटेरे हुए गिरफ्तार। अंतरराज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। 22 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो सहित 7 वाहन लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। 7 में से 4 वाहन लुटेरों को गोपालगंज पुलिस के हवाले किया गया। दरभंगा पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन लुटेरा एवं चोरी का उद्भेदन करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए वाहन लुटेरों में गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हामिदपुर निवासी दामोदर सिंह के पुत्र सुशील सिंह, उसी जिले के बिंदवलिया गाँव निवासी बैद्यनाथ यादव के पुत्र मनोज यादव, सिवान जिला के भगवानपुर हसनपुर निवासी श्रीनिवास सिंह के पुत्र अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP बाबूराम ने मीडिया को बताया कि वाहन लुटेरों में शामिल कैलाश कुमार, विशाल कुमार उर्फ लालू, सीताराम पासवान जो दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी है, वहीं वैशाली जिले के महुआ थाना फूल आदि वासी संतलाल राय के पुत्र मिंटू कुमार एवं मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर अंजना कोट निवासी हरे राम सिंह के पुत्र पंकज सिंह को गिरफ्तार कर गोपालगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। SDPO ने बहुत गहराई से तमाम बिंदुओं पर जांच की। ग्रामीण लोगों ने एक आरोप ये लगाया था कि कुछ दिन पहले शराब का एक अन्य कांड दर्ज हुआ था, इसमें कुछ बरामदगी हुई थी कि उसमें पूरी बरामदगी नहीं दर्शाई, तो उस आरोप की भी जाँच करवाई तो वो आरोप गलत पाया गया था। उसमें जो भी शराब की बरामदगी हुई थी वो प्रॉपर दिखाई गई थी, उसमें कहीं कोई गलती
या मैनिपुलेशन नहीं किया गया था। इस केस में भी ऐसा कोई बिंदु सामने नहीं आया जो जिससे ये लगे कि इन प्रभारी SHO जिनको निलंबित किया गया है इनके द्वारा जानबूझ के फंसाने की या कोई इस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले इनको एविडेंस जरूर देखना चाहिए था या फिर SDPO से या मेरे लेवल से कहीं जानकारी देने में गाइडेंस लेना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। थाने के क्रम में चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें हम लोग मीडिया को बता भी नहीं सकते हैं, आई विटनेस की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। SDPO ने बहुत गहराई से तमाम बिंदुओं पर जाँच की। ग्रामीण लोगों ने एक आरोप ये लगाया था कि कुछ दिन पहले शराब का एक अन्य कांड दर्ज हुआ था, उसमें कुछ बरामदगी हुई थी कि उसमें पूरी बरामदगी नहीं दर्शाई, तो उस आरोप की भी जांच करवाई तो वो आरोप गलत पाया गया था। उसमें जो भी शराब की बरामदगी हुई थी वो प्रॉपर दिखाई गई थी, उसमें कहीं कोई गलती या मैनिपुलेशन नहीं किया गया था। इस केस में भी ऐसा कोई बिंदु सामने नहीं आया जो जिससे ये लगे कि इन प्रभारी SHO जिनको निलंबित किया गया है इनके द्वारा जानबूझ के फंसाने की या कोई इस तरह की कार्रवाई की गई थी। बहेड़ी में जो प्रभारी SHO थे, SHO की वहाँ भी पोस्टिंग नहीं थी, जो प्रभार में थे उन्होंने शराब के केस में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की थी और शराब की बरामदगी की थी। लेकिन जहाँ से शराब बरामद हुई थी वो जगह खुली जगह थी जहाँ पे कोई दूसरा आदमी भी शराब आके रख सकता था, तो उन्होंने ना किसी वरीय पदाधिकारी से कोई आदेश लिया ना ही उनको कोई जानकारी दी और बिना पर्याप्त एविडेंस के इस केस में गिरफ्तारी की थी। इस मामले में लेकर गांव वालों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, तो उसमें हम लोगों ने SDPO से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इन्होंने इस केस में लापरवाही करते हुए जल्दबाजी में तुरंत गिरफ्तारी कर ली बिना पर्याप्त साक्ष्य के। लोगों को गाड़ी चाहे वो चोरी की मिल जाए या लूट की मिल जाए तो उन गाड़ियों को ये खपाने का काम करते हैं ये रिसीवर्स के माध्यम से। ये अक्टूबर 2018 से लेकर पिछले एक महीने तक जिला में 5 केस हुए थे वाहन लूट से संबंधित, जिसमें 4 मामलों में ट्रैक्टर लूटा गया था, एक में पिकअप लूट हुई थी। इस केस में पहले भी 4 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है और इनकी पूछताछ के आधार पर बाकी अनुसंधान के क्रम में जो जानकारी आई थी उसके आधार पर 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनके अन्य साथी सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी इन जिलों से हैं। इन सभी जिलों में लोग घूम घूम कर क्राइम करते हैं और गोपालगंज के कुछ पुरानी गाड़ियों के रिसीवर हैं जिनके माध्यम से ये गाड़ियाँ ये लोग उत्तर प्रदेश में भेजते हैं। तो इसमें गोपालगंज टाउन में भी छापामारी की गई, वहाँ भी एक गैराज में 22 के करीब ट्रैक्टर, एक बोलेरो और एक स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ पर मिली और 7 आदमी को डिटेन किया गया था। इन सभी लोगों को गोपालगंज पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है आगे की जाँच के लिए। दरभंगा के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का हुआ तबादला, बनाए गए मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव, सूचना जनसंपर्क निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा उनके पास। डॉक्टर त्यागराजन होंगे दरभंगा के नए DM। दरभंगा के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का तबादला, बनाए गए मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव, सूचना जनसंपर्क निदेशक का मिला अतिरिक्त प्रभार। डॉक्टर त्यागराजन दरभंगा के नए DM। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार ने कई जिलों के जिलाधिकारियों का किया तबादला। अररिया, सुपौल, किशनगंज, शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा सहित दरभंगा को मिले नए जिलाधिकारी। दरभंगा फिल्म फेस्टिवल का हुआ भव्य आयोजन, जिलाधिकारी ने रजनी सिनेप्लेक्स में किया शुभारंभ। फिल्म फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया रजनी सिनेप्लेक्स सिनेमा हॉल में। दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस फिल्म उत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मौजूद हुए राम बाबू प्रसाद एवं फिल्म उत्सव के जाने माने दर्जनों कलाकार एवं बच्चे। आज का जो फिल्म फेस्टिवल का कार्यक्रम है इसमें हम लोग काफी लोगों के बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहे हैं आपको, क्योंकि इस तरह का जो कार्यक्रम होता है वो प्रायः बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है और दरभंगा जिले में इसका आयोजन निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है और हम लोग के शहर के लिए भी रॉयल मेडिसन है। और इसमें मुख्य रूप से जो आर्ट मूवीज हैं उनको दिखाया जाता है, जिनको प्राय हम लोग देखते हैं कि जो कमर्शियल या बहुत मसाला मूवीज हैं उनके सामने वो जगह नहीं मिल पाती व्यवसायिक दृष्टिकोण है, लेकिन उनका मैसेज बहुत अच्छा हो रहा है अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, उस
इसको हम लोगों सभी लोगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और जो भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो उसमें भागीदारी करें। दूसरा जो मिथिलांचल में ये कार्यक्रम आयोजित है हम लोगों का दरभंगा जिले के मिथिलांचल के हृदय स्थली कहा जाता है, हार्ट ऑफ मिथिलांचल कहा जाता है। मिथिलांचल अपने आप में कला और संस्कृति का केंद्र रहा है, आर्ट और कल्चर जो है ये यहाँ के कण कण है। ये छठा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है जिसका आज उद्घाटन किया गया है और ये बड़े गर्व की बात है हम लोगों के शहर के लिए, हम लोगों के ज़िले के लिए। ये दरभंगा हमारा जो है मिथिलांचल की हृदय स्थली है
और आर्ट और कल्चर यहाँ के कण कण में, यहाँ की हवाओं में बसा हुआ है, रचा बसा है। तो उस दृष्टिकोण से जो इस तरह का फिल्म फेस्टिवल है, इससे बहुत वैल्यू एडिशन होगा हम लोगों के शहर में, हम लोगों के ज़िले में, और जो हमारे युवा हैं, जो कलाकार हैं, उनको भी एक मंच मिलेगा और उनको भी एक अवसर मिलेगा जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकें। तो बहुत शुभकामना है हमारी छठे दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए कि इसका जो मकसद है उसमें वो कामयाब हो और इसका लाभ हमारे पूरे जिले को, पूरे मिथिलांचल को मिले। जी मुझे खुशी है कि हम बिहार से हैं और हमारे बिहार में जो आर्ट की राजधानी बोली जाती है दरभंगा, यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और युवाओं पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर भी एक कुछ अलग सा होगा, एक्साइटमेंट होगी कि भाई हमें भी कुछ करना है। ये मिराज जी ने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है, जो 6 साल से कर रहे हैं, 6ठा साल है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने बिहार में फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, विदेश से हमारे पास फिल्में आ रही हैं यहाँ चलाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, भविष्य में इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। कमतौल भरवारा मुख्य सड़क पर बाइक सवार कलेक्शन एजेंट को अपराधियों ने मारी गोली, नगद रुपए और मोबाइल भी लूटा, घायल का डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। कमतौल भरवारा मुख्य पथ व कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पंचायत अवस्थित इटौखर पोखर के समीप शुक्रवार को दिन के 11:45 के करीब कमतौल से भरवारा की ओर जा रही नई ग्लैमर बाइक चालक को गोली मारकर जख्मी कर उसके पास से नकद रुपए समेत मोबाइल लेकर अपराधी फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कमतौल से भरवारा की ओर जा रही ग्लैमर बाइक चालक को पीछे से पल्सर 220 पर सवार 3 व्यक्तियों ने ओवरटेक करते हुए इटौखर पोखर के समीप पीछे से धक्का मार ग्लैमर चालक को ज़मीन पर गिरा दिया, जेब में रखे नकद रुपए समेत मोबाइल छीन लिया। इस दौरान विरोध किए जाने पर अपराधियों ने उसके दाहिने जांघ में गोली मार भरवारा की तरफ वे भाग निकले। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे डीएमसीएच पहुँचाया जहाँ युवक का इलाज चल रहा है। मौके पर सदर डीएसपी अनोज कुमार ने पहुँचकर मामले की जानकारी ली, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही। बेनीपट्टी के सामदा गांव के रहने वाले एक एजेंट के रूप में काम करते हैं और पैसा अपना कलेक्शन करते हैं, प्रत्येक 1 तारीख को बैंक में जमा करते हैं, उसके पहले भी जमा करते हैं, उसके बीच में भी, लेकिन 1 तारीख को कहते हैं जो इस महीना का बचा कुछ पैसा रहता है जो जमा करने का काम करते हैं। उसी क्रम में वो आ रहे थे तो कमतौल से आगे एक सोतिया चौक मोड़ है के पास, बोले कि एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार जो था वो ओवरटेक किया और उनका बैग ले लिया और एक गोली चलाया जिससे उनको जांघ में लगा है, खतरे से बाहर है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक, डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से, मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दरोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल, फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility,
All the vehicles are enabled with GPS. Rich library will equip separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 7763819774 Shailendra Jha, principal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सरकार ने पेश किया लोक लुभावन बजट, आयकर छूट की सीमा 5 लाख तक के लिए बढ़ी, 80C में बचत करने पर 1.5 लाख की छूट भी बरकरार। दरभंगा के चर्चित ठेकेदार और एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी नीरज मुखिया ने दरभंगा कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गैंग, 22 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो समेत 7 लुटेरे गिरफ्तार, SSP ने दी जानकारी। दरभंगा के DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह का तबादला, बने CM सचिवालय के अपर सचिव, सूचना जनसंपर्क निदेशक का भी मिला अतिरिक्त प्रभार, डॉक्टर त्यागराजन होंगे दरभंगा के नए DM। दरभंगा फिल्म फेस्टिवल का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने रजनी सिनेप्लेक्स में किया भव्य उद्घाटन। कमतौल भरवारा मुख्य सड़क पर बाइक सवार को अपराधियों ने मारी गोली, नगद रुपए और मोबाइल भी लूटा, घायल का DMCH में चल रहा इलाज। सेवानिवृत्ति के बाद अलाहाबाद बैंक दरभंगा के विशेष सहायक कैशर आलम को दी गई भावभीनी विदाई, समाज के हर तबके के लोगों ने की सुखी एवं स्वस्थ सेवानिवृत्त जीवन की कामना। और दिन में भी जलते रहते हैं स्ट्रीट लाइट, बिजली की खूब हो रही बर्बादी। सेवानिवृत्ति के बाद अलाहाबाद बैंक की दरभंगा शाखा के विशेष सहायक मोहम्मद कैसर आलम को दी गई भावभीनी विदाई, समाज के हर तबके के लोगों ने उनके कार्य प्रणाली की, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की खूब की बढ़ाई। इलाहाबाद बैंक की दरभंगा शाखा में कार्यरत विशेष सहायक मोहम्मद कैशर आलम की सेवानिवृत्ति के बाद विदाई समारोह का आयोजन गुरुवार की देर शाम इलाहाबाद बैंक दरभंगा परिसर में किया गया। समारोह की खासियत यह रही कि लोगों के बीच खासे लोकप्रिय मोहम्मद कैशर आलम को विदाई देने, उनकी भावभीनी विदाई के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने शहर से लेकर गाँव तक के सभी वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सबों ने उनके लंबे सुखमय और स्वस्थ सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। ऐसे तो आज के वक्त में बहुत सारे बैंक्स हैं, बैंकर्स हैं, आज तो घर पे चल के बैंक जा रहा है, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सही बात यही है कि बैंक से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, आलम साहब ने हमको सिखाया, समझाया और उनके मार्गदर्शन पे चले, इससे मैंने बहुत सा फ़ायदा उठाया। कितने जो है सो कोऑपरेटिव बैंकर रहे हैं, तो इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारा फेयरवेल देखा है और रीजनल मैनेजर्स का भी फेयरवेल देखा है, कलेक्ट करने के बाद भी इसके 1/4 लोग कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और कैसर आलम के इसमें बिना बुलाए हुए इतने लोगों का आ जाना, यही इनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इट्स माय प्रिविलेज टू बी हियर टू शेयर फ्यू वर्ड्स अबाउट द प्रोफेशनल जर्नी ऑफ माय पापा। माय पापा स्टार्टेड हिज करियर इन इलाहाबाद बैंक इन गुहाटी with his all-time favorite partner and friend Sayyid Iqbal Ahmed, and I'm really grateful to him as he has always stood by my father for emotional supports and everything. Thank you, Mama. जानते हैं आज हमारे बीच हम लोगों के प्रिय आलम सर का सेवानिवृत्ति का दिन है, और इन्होंने जो अपने 34 साल की जो सर्विस दी है उसमें इन्होंने ये कमाया है कि ये एक बैंक कर्मी से एक साथी हो चुके हैं, एक कलीग बन चुके हैं, सबके दिल के अजीज बन चुके हैं। ये इनकी 35 साल की जमा पूंजी है, ये एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बन चुके हैं। आज ये एक शख्सियत है, इन्हें हर लोग जानते हैं,
लोगों के बीच ये काफी प्रिय है, तो इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, बस यही कहूंगी जो ये जुमला हमेशा कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मैं इनके लिए यही कहूंगी कि कुछ तो बात इनमें है, कुछ तो बात इनकी शख्सियत में है, यूं ही कोई इतने लोगों के दिलों में जगह नहीं बना लेता। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, जरा नजर जो उनसे मिले तो सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं, अब आप ही मशवरा दीजिए कहाँ से फसाना शुरू करूं और कहां तमाम करूं। दूसरा ये कि चलना जो जरा आया तो पांव कट गया, चलना जो जरा आया तो पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया, ये सर जो बुलंद हुआ तो शाने से कट गया, और मैं जब मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं जमाने से कट जाऊंगा, मैं बल्कि कुछ कम जमाने में अटैच था पहले ड्यूरिंग सर्विस, अब मैं आप तमाम लोगों को पूरा स्वस्थ करता हूं कि 100% से मोर देन ज्यादा मैं जमाने से जुड़ूंगा, और जो भी जहां हमारे तमाम साथियों का क्लिस का सीनियर्स का जूनियर्स का ड्यूज हमारे ऊपर है कि हम उन लोगों को पर्सनल वक्त नहीं दे पाते थे, मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि मैं पूरा वक्त उन तमाम लोगों को दूंगा जितने लोग हमसे उम्मीद करते हैं। माननीय कैसर आलम सर का सेवानिवृत्त दिवस के रूप में आज यहाँ पर मनाया जा रहा है, इसमें उपस्थित आए तमाम आदरणीय साथियों को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत बहुत आभार अभिनंदन, और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एक शहरी है मुझे याद है कि मैं इसी मौके पर आज सर के विदाई समारोह में कहने जा रहा हूँ, मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता, मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता, कि दरिया शोर करता है आलम सर कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। राम जी का विदाई समारोह है, ये हमारे बीच काफ़ी लंबी अवधि तक नेतृत्व करते रहे हैं, और उनका जो मानव के प्रति संवेदना सहनशीलता और सहयोग की भावना रही है प्रशंसनीय है, अतुलनीय है, हम इनके भविष्य की कामना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इन्हें इनके परिवार को। बिजली की दरभंगा में हो रही खासी बर्बादी, दिन भर जलते रहते हैं स्ट्रीट लाइट, दिन में भी लगातार जलते रहते हैं स्ट्रीट लाइट। दरभंगा नगर निगम की पहल पर पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट लगवाई तो गई है, परंतु अधिकांश स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो चुके हैं, और जो अभी ठीक हैं वो रात को तो जलते ही हैं लेकिन दिन में भी लगातार जलते रहते हैं। इस पर न तो किसी का ध्यान जा रहा और न ही इसे रोकने की कोशिश हो रही है। लंबे समय से मीडिया में यह खबर भी आ रही है इस बड़ी लापरवाही से बिजली की हो रही खासी बर्बादी। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में खेल प्रतिस्पर्धा से जुड़े जोस स्पोर्ट्स फेस्ट 2019 का आयोजन 3 फरवरी से होगा, पत्रकारों को दी गई जानकारी। खेल स्पर्धा से जुड़े जोस स्पोर्ट्स फेस्ट 2019 का आयोजन 3 फरवरी से, उद्घाटन संस्था के फाउंडर आचार्य शौकत खलील करेंगे। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रतिकुलपति और कुलसचिव होंगे अतिथि। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में आगामी 3 फरवरी से आयोजित किए जाने वाले जोश फेस्ट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसे इम्बिसाद शौकत ने संबोधित करते हुए तमाम जानकारी दी। कार्यक्रम में कई जाने माने लोग भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि खेलकूद एक नृत्य क्रिया है जिससे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, यह पहल इस कॉलेज के लिए काबिले तारीफ है। समापन होगा 9 तारीख को, हमारे अनुरोध वाइस चांसलर साहब पढ़ाई डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में रहेंगे,
9 तारीख को भी हम लोगों ने बच्चों के लिए और जो भी अतिथिगण होंगे उनके लिए फूड फेस्ट का भी इंतजाम रखा है। 13 गेम होंगे इसमें जो पूरे वीक ये इतवार से शुरू हो गए, ये शनिवार तक चलेगा, शनिवार को समापन होगा इसका। इसमें फाउंडर चेयरमैन आचार्य शबुद खली साहब रहेंगे और रवि भूषण भाई हमारे रहेंगे, एक्स ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और समापन समारोह में ऑनरेबल भाई चांसलर रहेंगे चीफ गेस्ट, और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अरुण प्रसाद प्रोफेसर एचयूडी डीएमसीएच और हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट भी है, वो रहेंगे। इस मिथिला मंडल इंटर कॉलेज के द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें माने जितने भी छात्र हैं अभिभावक और उनके फैकल्टी के लोग हैं, ये वो सारे इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो गेम है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और खो खो वगैरह सब हैं, इनका ये एक खेल मेला के रूप में रहेगा। इसके साथ ही एक फूड फेस्ट भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ, जिसमें मिथिलांचल का भोजन के अलावा अन्य वही भोजन का भी राहत उसमें होगा। और ये मेन उद्देश्य है कि बच्चों के माने पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पर भी इसको इस कॉलेज के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें वो लोग उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और आगे प्रोत्साहित करने का काम एमडी सर ने कर रहे हैं। इंसाफ मंच ने निकाला प्रतिवाद मार्च। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर आनंद तेलंतुबड़े की संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिवाद मार्च का हुआ आयोजन। साहित्यकारों, लेखकों, पत्रकारों पर मोदी राज में दमन के खिलाफ लोग एक हों, बोला इंसाफ मंच। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर आनंद तेलंतुबड़े की संभावित गिरफ्तारी व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर मोदी राज में हो रहे हमलों के खिलाफ इंसाफ मंच के बैनर तले राज्यव्यापी आह्वान पर नागरिक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। नाथुराम गोडसे का किया गया पुतला दहन। SDPI के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के सामने नाथुराम गोडसे का पुतला दहन किया। कार्यक्रम मोहम्मद नूरुद्दीन की अध्यक्षता में हुआ। गांधी जी की शहादत का दिन है हमारे राष्ट्रपिता का। उस दिन हिंदू सभा ने जिस तरह से गांधी जी को गोली मारते हुए देखा है, वो केवल निंदनीय नहीं बल्कि भारतवर्ष का अपमान है। इसलिए हमारा डिमांड है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और देशद्रोही का मुकदमा उनके खिलाफ किया जाए। यही नहीं, नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा से आते थे और उन्होंने पहले भी उस तरह का कार्य, घृणित कार्य किया था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने का कार्य किया था, और अब भी जिस तरह से हमारे राष्ट्रपिता का अपमान किया है उस पर बैन भी लगाया जाना चाहिए। इन डिमांडों के साथ आज SDPI की तरफ से हम लोग भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग विज्ञापन सौंप रहे हैं DNV के माध्यम से। ये अभी नाथुराम गोडसे का किया है। गोडसे का जो यार है देश का गद्दार है, गोडसे का जो यार है देश का गद्दार है, गोडसे का जो यार है देश का गद्दार है। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, अमर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोडसे का जो यार है देश का जो यार है देश का गद्दार है, महात्मा गांधी अमर रहे। सांस्कृतिक दल कला कुंज बिहार की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन, दिखाया जा रहा है नुक्कड़ नाटक। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों तक प्रचारित किया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सांस्कृतिक दल कला कुंज बिहार की ओर से यह जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, लोगों के बीच प्रचार प्रसार हो रहा है। इसका दहेज बंदी को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ वार्ड नंबर 40 में। जो है हम लोगों ने बाल विवाह और स्वच्छता अभियान के तहत और बिहार सरकार के विभिन्न योजना के बंद को लेकर के जो है एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। समझ गए, आप बोलिए बहुत कम है नौ के बराबर लोहा के चैन
अरे सोना का चावल है, बुलेट मोटरसाइकिल है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, रंगीन टीवी है, उगाड़ा वगैरह सब सामान है, कार के सामान में पलंग है, सोफा है, कुर्सी है, टेबल है, उगाड़ा वगैरह सब देना है, सौ माइक सब कुछ दे, लेकिन काठ का सामान नहीं दे। सुनिए ना, इससे पहले बड़की बचिया का जो ब्याह किए थे, काठ का सामान जो ट्रैक्टर पे लाद के ले गया तो उसका ससुर भतीजा सुन, शाकाहारी तो सुने, मांसाहारी तो सुने, फलाहारी का हुआ अंडा बढ़िया के खिया सुनिश्चित कर। जहाँ तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मात्र 39 रोगी प्रति माह आते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 11 कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ से जन आंदोलन ले चुका है, आयोजित किया सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी जा चुकी है। आज 40 वार्ड हम लोग चाहते थे कि जो वातावरण बने वो वातावरण बन चुका, इसलिए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है। बीपीएससी का शुक्रवार को आया परिणाम, फिर बजा मिथिला की प्रतिभा का डंका। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड के रमौली गांव निवासी संजय कुमार मिश्रा का बिहार फाइनेंस सर्विस में हुआ चयन, उन्हें बधाइयों का लगाता था। शुक्रवार को जारी किया गया बीपीएससी का रिजल्ट, फिर बजा मिथिला की प्रतिभा का डंका। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड के रमौली गांव निवासी संजय कुमार मिश्रा का बिहार फाइनेंस सर्विस में हुआ चयन, उन्हें बधाइयों का लगा हुआ है तांता। सरकार ने पेश किया लोक लुभावन बजट, आयकर छूट की सीमा 5 लाख तक के लिए बढ़ी, 80C में बचत करने पर 1.5 लाख की छूट भी बरकरार। दरभंगा के चर्चित ठेकेदार और एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी नीरज मुखिया ने दरभंगा कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गैंग, 22 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो समेत 7 लुटेरे गिरफ्तार, एसएसपी ने दी जानकारी। दरभंगा के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का तबादला, बने सीएम सचिवालय के अपर सचिव, सूचना जनसंपर्क निदेशक का भी मिला अतिरिक्त प्रभार, डॉक्टर त्याग राजन होंगे दरभंगा के नए डीएम। दरभंगा फिल्म फेस्टिवल का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने रजनीश सिनेप्लेक्स में किया भव्य उद्घाटन। कमतौल भरवारा मुख्य सड़क पर बाइक सवार को अपराधियों ने मारी गोली, नगद रुपए और मोबाइल भी लूटा, घायल का डीएमसीएच में चल रहा इलाज। सेवानिवृत्ति के बाद अलाहाबाद बैंक दरभंगा के विशेष सहायक कैशर आलम को दी गई भावभीनी विदाई, समाज के हर तबके के लोगों ने की सुखी एवं स्वस्थ सेवानिवृत्त जीवन की कामना। और दिन में भी जलते रहते हैं स्ट्रीट लाइट, बिजली की खूब हो रही बर्बाद। यदि अभी तक की खबरें, इससे साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।